देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अल्पशिक्षित स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल ने गोंदिया शिक्षण संस्था की नींव रखकर इस पिछड़े क्षेत्र में शैक्षणिक संस्कारों के प्रचार प्रसार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में किया गया उनका कार्य आज भी प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। ये बात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कही। वो NMD कॉलेज के ऑडिटोरियम में शिक्षा महर्षि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के स्वर्ण पदक वितरण समारोह में 9 फरवरी को बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने की। अतिथि के रूप में पूर्व विधायक हरिहर भाई पटेल मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में गोंदिया एवं भंडारा जिले के विविध परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्यपाल के हाथों स्वर्ण पदक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने आगे कहा कि मनुष्य को हमेशा उसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही समाज में याद किया जाता है। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल को भी आज हम सब इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने अल्प शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिले में क्रांति लाई, जिससे लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि वे अल्प शिक्षित नहीं थे, बल्कि उच्च शिक्षितों से भी बढ़कर थे, क्योंकि उन्होंने गरीब जनता के बारे में सोचकर ही इस क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों का जाल बिछाया। राज्यपाल ने सभी से मनोहर भाई के जीवन कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन पूर्व विधायक एवं गोंदिया शिक्षण संस्था के सचिव राजेंद्र जैन ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एवं समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।